नई दिल्ली से लौटने के बाद माना एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची घोषित की है और भाजपा गंभीरता से हर चुनाव के लिए चुनौती के रूप में ले रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नए और युवा चेहरे हैं, तो महिलाएं भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चयन 21 प्रत्याशियों का किया है। इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिस संकल्प के साथ हम आज चुनाव के मैदान में हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाएंगे, उस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में ये 21 प्रत्याशियों की सूची निश्चित रूप से मददगार होगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।